नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विश्व जनसंख्या दिवस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग और तेज हो गई है बीजेपी की तरफ से। पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया और उसके बाद एक विस्फोटक बयान, एक बड़ा बयान बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दे दिया है। बिहार सरकार के मंत्री, बीजेपी कोटे से मंत्री है नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कहा है कि रड़िया किशनगंज में बिल्कुल स्थिति भयावह है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, नरक मचा हुआ है और विकास पर जनसंख्या विस्फोट हावी है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। नीरज कुमार बबलू का वो पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आज जनसंख्या दिवस है विश्व का और मुझे लगता है कि विश्व में इस पर कोई फर्क पड़ा ना पड़ा हो, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क जरूर पड़ा है। और हम तो ये मानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, जनसंख्या विस्फोट हुआ है हिंदुस्तान में, और खास करके बिहार में जो स्थिति है। आप चले जाइए अररिया और किशनगंज के इलाके में, आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, मैंने नर्क की स्थिति बनी हुई है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस मार्केट में जाएंगे, जिस बाज़ार में जाएंगे, जिस सड़क पर जाएंगे, स्कूल में जाएँ, अस्पताल में जाएँ, आदमी ही आदमी है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, लगातार विकास की काम कर रही है। 2005 से हम लोग विधायक हैं, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और हम लोग साथ में रह करके लगातार विकास का काम कर रहे हैं। पहले बिहार में सिंगल रोड हुआ करता था, फिर डबल लेन बन रहा है, फोर लेन बन रहा है, सिक्स लेन तक बन रहा है, लेकिन कहीं भी आप नहीं देखेंगे कोई सड़क खाली है। लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर ज़िले में, आप कहीं भी जाएँ किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं मिलेगा, स्कूलों में आप जहाँ भी जाएँ कहीं खाली नहीं मिलेगा। तो विकास का काम मेरे समझ से कम पड़ रहा है जनसंख्या के सामने में। जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हम उस रफ्तार से विकास नहीं कर पाएंगे और इसका कोई लाभ जो है ना विकास का नहीं मिल पा रहा है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, इसका लाभ बिहारवासी को नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और लागू।